प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, आज मैं आपको कक्षा 6 का पार्ट 5 पुस्तक मेले में पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों, इसमें जो है रिमझिम ने अपनी प्रिय सहेली जिज्ञासा को एक पत्र लिखा है, जिसमें पुस्तक मेले के बारे में बताया है कि पुस्तक मेले में क्या क्या होता हो, किस प्रकार पुस्तक मेले में गई। तो इसमें क्या लिखा है उसने रिमझिम ने, प्रिय रिमझिम, साइस ने मिलन, मैं यह पत्र तुम्हें किसी खास प्रयोजन से लिख रही हूँ। पिछले महीने मैं दिल्ली में अपनी नानी के यहाँ 15 दिन रही। इसी दौरान मेरे मामा जी ने मुझे बताया कि 5 जनवरी से 13 जनवरी तक दिल्ली के प्रगति मैदान में विश्व स्तरीय पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। पुस्तकों का कोई भी मेला होता है, सुनकर एक बार तो मैं चौंकी। इस विषय में मामा जी ने मुझे बताया कि बेटा, पुस्तक का मेला भी होता है। मामा जी ने बताया कि प्रत्येक वर्ष यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुस्तक मेले का आयोजन किया जाता है। इसमें विश्व के अनेक प्रकाशक अपनी अपनी पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं, शैक्षिक ऑडियो विजुअल सामग्री के स्टॉल लगाते हैं। मेले के पूरे प्रबंधन का कारोबार मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा संभाला जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रगति मैदान में इस पुस्तक विश्व स्तरीय पुस्तक मेले में स्थान आरक्षण का कार्य भी नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा संभाला जाता है। मेले के दौरान शनिवार को मामा जी के ऑफिस की छुट्टी थी। उसी दिन मैं मामा जी के साथ, यानी कौन, रिमझिम मामा जी के साथ प्रगति मैदान पहुंची और उसने प्रगति में मैदान में जो चहल पहल देखी, उससे कम से कम एक बात से तो आश्वस्त हो गई थी कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों को पुस्तक प्रेम अभी भी कम नहीं हुआ, यानी लोगों को पुस्तकों से बहुत ही लगाव होता है। मेले में शैक्षिक पुस्तकों, समान पुस्तकों, बाल साहित्य, पाक कला, संगीत, योग व खेलकूद, पर्यटन आदि से संबंधित प्रकाशकों के स्टॉल लगे हुए थे, यानी तरह तरह की पुस्तकों के, ज्ञानवर्धक पुस्तकों के स्टॉल अलग अलग लगे हुए थे। बच्चों, सभी स्टॉलों पर संबंधित प्रकाशकों के विक्रय प्रतिनिधि भी थे, यानी उसको बेचने वाले लोग भी वहाँ पर खड़े हुए थे। हर हाल में पानी, जन सुविधाओं, घोषणा, खोया पाया, सुरक्षा के लिए पुलिस आदि की भी व्यवस्था थी। यदि कोई खो जाता है उसके लिए क्या है, वहाँ पर पुलिस भी मौजूद थी। बाहर खान पान में चाय कॉफ़ी आदि के स्टॉल भी लगे हुए थे, यानी हर तरह की व्यवस्थाएँ वहाँ पर मौजूद थी। मैंने पुस्तक मेले से, यानी किसने, रिमझिम ने, रामायण, महाभारत की कहानियाँ, जीवन से उपयोगी स्वेट मॉडर्न की पुस्तकें और योग की पुस्तकें भी खरीदी, योग ही व्यायाम की पुस्तकें भी खरीदी। मैंने अपने भतीजे मोंटी के लिए, यानी रिमझिम ने अपनी भतीजी मोंटी के लिए बाल गीतों, यानी जो बच्चों के गीत होते हैं, उसकी पुस्तक, अंग्रेजी कविताओं की एक ऑडियो विजुअल सीडी भी खरीदी और शाम को वो घर लौट आई। घर आने पर मामा जी ने बताया कि इस प्रकार के पुस्तक मेले का आयोजन प्रदेश स्तर भी प्रकाश संघों द्वारा होता रहता है, जैसे इंदौर पुस्तक मेला, जयपुर पुस्तक मेला, दिल्ली पुस्तक मेला और मुंबई पुस्तक मेला आदि। तो इसमें क्या है बच्चों, इस बार पुस्तक मेले के लिए वो बहुत ही उसको याद करती रहती है कि कितना अच्छा होता कि पुस्तकों को पढ़कर हम सब क्या करें कि आगे बढ़े, पढ़ें और आगे बढ़ें, तभी पुस्तक मेलों का क्या होगा, प्रयोजन सिद्ध होगा। यानी पुस्तक मेला क्यों लगाया जाता है कि हम तरह तरह की ज्ञान वर्धक पुस्तकें जो उसमें उपलब्ध होती हैं उनको हम खरीद कर उन्हें पढ़ें और अपने ज्ञान को बढ़ाएँ। तो बच्चों, इस पाँच के पुस्तक मेले से आपको क्या शिक्षा मिली कि हमें भी तरह तरह की पुस्तकों को, यह अपने, यानी कि हमें जो अपनी पढ़ाई से संबंधित पुस्तकें उन्हीं को केवल पढ़ना चाहिए, हमें और ज्ञानवर्धक पुस्तकों को भी पढ़कर अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको पार्ट 5 पुस्तक मेले में अच्छे से समझ में आ गया होगा और मैं PDF द्वारा आपको इसके प्रश्नोत्तर एक्सरसाइज आप तक पहुँचाऊँगी।
तो आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर याद करें और शब्दार्थ को भी लिखिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में याद करिए। थैंक यू।